Shall we begin? इडली सांभर आ चुका है ऑलरेडी। उतार के खाना खाते हैं। ये माता रानी के दर्शन कराए हैं और हम भैरव बाबा से नीचे उतर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आंधी चल रही है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, वैसे तो मैंने रिवील कर दिया था अगर आपने देखी होगी तो हम लोग अब जा रहे हैं माता वैष्णो देवी। तो चलिए आइए यात्रा शुरू करते हैं और आपकी भी यात्रा करवाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम रेडी होके आए हैं, तो हमने सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं, ये है नाथूस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन फ्रेश प्रिपरेशन विथ अनियन एंड गार्लिक। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसका एम्बियंस है एंड ये मल्टी कुजीन है, तो ऑलमोस्ट जितने भी कुजीन होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। एंड इनका जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर एसी भी है, बेस्ट थिंग इज दैट। एंड ये मेरा इडली सांभर आ चुका है ऑलरेडी, देखने में काफ़ी यम लग रहा है, तो आई होप खाने में भी यम होगा। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। इसमें सॉल्ट नहीं है। सांबर इज वेरी टेस्टी। इसमें उतार के खाना खाते हैं। अच्छा, ये हमारी सूट लस्सी भी आ चुकी है, सूट लस्सी नहीं, स्वीट लस्सी भी आ चुकी है। पूड़ी भाजी आई हुई है, बहुत ही ज़्यादा यम लग रही है, पानी आ गया मुँह में देख के। यहाँ पे भी पूड़ी भाजी आई हुई है, ये टमाटो उत्पम आया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने हैंड वॉश के लिए टिश्यूज रखे हुए हैं एंड ये है फ्रेशनर एंड में। मैं भी वेट कर रही हूँ हेलीकॉप्टर का। छोटी बच्ची हो क्या? ये यहाँ पे हेलीपैड टर्मिनल है कटरा में, जहाँ से कि हेलीकॉप्टर के लिए बुकिंग होती है। वो वहाँ पे काउंटर्स हैं, अगर आपको दिख रहे होंगे तो ये यहाँ पे काउंटर्स हैं, यहाँ पे पिक्चर वगैरह क्लिक होती है, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं एंड यहाँ पे आपको पासेस वगैरह मिलते हैं। एंड वहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो वो वेटिंग हॉल है। ऐसे ही किसी एक हेलीकॉप्टर में हम भी जाएंगे। अभी यहाँ से इस तरह से वैन में सबको लेके जाएंगे हेलीपैड पे एंड वहाँ पे उतारेंगे। यहाँ से हेलीपैड के लिए एंट्रेंस है, तो यहाँ से हम हेलीकॉप्टर पकड़ते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा वो वहाँ पे हेलीकॉप्टर आ रहा है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट जो एक्सपीरियंस है हेलीकॉप्टर बैठने का वो अलग ही है।
हम हेलीकॉप्टर से नीचे आ गए हैं, वहाँ पे फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड थी सो कोई पिक्चर्स या वीडियोस नहीं क्लिक कर पाए हैं, बट लास्ट ईयर वाली आप डेफिनेटली देख चुके होंगे, नहीं देखी हैं तो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे मिलेंगे, आपको दिखाएंगे। आदमी रखा हुआ है अपना बैग ले जाने के लिए, ये बैग हो रहा है हमारा, अभी खंबे से टकरा जाता आदमी। ये जो आदमी था इसे लेके चला नहीं गया तो दूसरे आदमी ने लिया है, इसको हम पैसे देंगे नहीं, अब इस आदमी को पैसे देंगे। ये वाला लड़ाई चल रही है, बैग नहीं दे रहे हैं और बैग छीन रही है। ये घोड़े देखो अपने आप जा रहे हैं। ऐसे पालकी भी जाती हैं, यहाँ से पालकी में भी बैठ सकते हैं अगर जो चल नहीं पाते हैं, जिनको प्रॉब्लम है कुछ। ये यहाँ पे अकोमोडेशन है रहने के लिए, जब लास्ट टाइम हम रूम्स में रहते तो हम यही वाले रूम्स में रहते, इस बार देखते हैं कौन से रूम मिलते हैं। यहाँ पे काउंटर्स हैं जहाँ से पता चलेगा कि कौन से रूम अलॉट होंगे। कि हमें यहीं पे मिला है अकोमोडेशन, गौरी भवन है ये। अब हम जा रहे हैं अपने रूम्स की ओर, लास्ट टाइम भी हमें यहीं मिले थे ना। हाँ ऊपर है ना, कर लो बात एक बार, ऊपर करवा दो किसी का, किसी का सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर दिया था वो बड़ा अच्छा था। तुम्हें सोए दिक्कत होती है रात को सोते हो, ये घोड़ी की आवाज आती रहती है, मैं जाके बोला था ना। ऊपर जा रहे हैं, फाइनली हमें रूम मिल गया है। तो यहाँ पे दो डबल बेड हैं और बहुत ज़्यादा स्पेशियस रूम है, एंड यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी लगा हुआ है, सामने मिरर है, अलमीरा है, रूम हीटर भी दिया हुआ है। स्पेस देख रहे हो आप कितना स्पेस है, एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे वॉशरूम और जो लैट्रिन है दोनों अलग अलग है, एंड यहाँ पर आपको हैंड वॉश के लिए मतलब पाउडर रूम काइंड ऑफ भी दिया हुआ है। ये आराम से फैल के सो, उस लोग कूदो नाचो गाओ जो करना है करो।
आइए अब आपको दर्शन कराते हैं अद्भुत शक्ति के, जिसको सारी दुनिया मानती है। बोलो जय माता रानी, बोलो जय माता दी। तो हम लोग रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, और हम फ़ोन छोड़ के जाएंगे तो आई डोंट थिंक कि हम आगे का कैप्चर कर पाएंगे। तो ये मेरा आउटफिट है, चलो माता रानी के अच्छे से दर्शन करके आएंगे। माता रानी के दर्शन कर आए हैं और अभी हो रहे हैं टाइम क्या हो रहा है, 6:15 हो रहे हैं और हम दर्शन कर चुके हैं, और फ़ोन हम अलाउड ही नहीं होता तो हम लेके नहीं गए थे। तो आप यहाँ से माता रानी के दर्शन कर लीजिए, और बहुत सुंदर लग रही थी माता रानी और बहुत ही अच्छा लगा। अब हम जाएंगे भैरव बाबा। ये शाम के समय माता रानी, वहाँ पे मंकी लड़ रहे हैं। अब हम निकल रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, और ये रही माता रानी, हल्की हल्की धूप है और अभी टाइम हो रहा है 6:30। तो चलिए आपको भैरव बाबा के दर्शन कराते हैं। यहाँ पे भैरव बाबा पे जाने के लिए रोपवे स्टार्ट हो गया है, जो अभी रिसेंटली हुआ था। धक्का क्यों मार रहे हो? तो ये जा रहे हैं रोपवे में बैठ के, इतने सारे लोग, अच्छा है काफी। चलो तो हम पहुँच तो गए हैं भैरव बाबा पे, बट यहाँ पे पट बंद है, और हम पहुँच गए हैं 7 बजे और हम 9 बजे ओपन होंगे पट। तब तक हम वेट करेंगे भैरव बाबा का। भैरव बाबा वेट करवा रहे हैं थोड़ा आज। एंड व्यू देखो, यहाँ पे भीड़ देखो पहले, तो व्यू तो बाद में दिखाऊंगी मैं, भरा पड़ा है भाई साहब। ये देखो भीड़, ये भैरव बाबा। वो वहाँ पे हेलीपैड है, ये बैठे ले हैं, थकेले बैठे ले हैं। माता रानी ने जितनी जल्दी हमें दर्शन दिए थे, भैरव बाबा ने इतना ही टाइम लगाया हमें दर्शन देने में। काफ़ी लंबी लाइन थी, बट ये था कि लाइन मूविंग थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और बाहर बारिश वारिश भी शुरू हो गई थी, आंधी तूफान भी आने लग गया था। ये हम भैरव बाबा से नीचे उतर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आंधी चल रही है, जैसे कि उड़ जाएंगे। मौसम में चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और अब एकदम से इतनी जोर से ठंड हो गई है कि पूछो मत, स्वेटर में भी ठंड लग रही है। बट फाइनली अब यहाँ पे लाइट है ऊपर, क्योंकि लाइट नहीं थी और फिर हम स्टेयर से नीचे उतर रहे थे तो बहुत ज़्यादा वो लग रहा था,
वैसे पैरों बहुत ज़्यादा नहीं है अगर हम स्टेयर से आते हैं तो। तो चलिए गाइस अब रूम पे पहुंच के आपको दिखाते हैं, दिखाएंगे कि अब हम सो जाएंगे खा पी के, क्योंकि बहुत थक गए हैं। मेरा तो गला भी बैठ गया है ठंड की वजह से। एक तो पहले ही गला दर्द हो रहा था, कोल्ड जैसी फीलिंग आ रही थी, और अब तो बिल्कुल गला ऐसा लग रहा है बिल्कुल बैठ गया है। अब गला खड़ा होगा कल, तब बात करेंगे। जय माता दी, जय भैरव बाबा। भैरव बाबा से नीचे उतर आए हैं, और बहुत ज़्यादा आंधी चल रही थी, आपने देख ही लिया होगा, बट ये है कि अच्छे दर्शन हो गए भैरव बाबा के, बहुत सुंदर लग रहे थे भैरव बाबा और हनुमान जी, बहुत ही अच्छा लगा। और माता रानी ने हमें बुलाकर हम पर बहुत कृपा करी है। हे माता, ऐसे ही आगे भी कृपा करती थे ना। तो आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी। रात में माता रानी का भवन इतना सुंदर लग रहा है, वैसे तो सारी लाइट जल नहीं रही हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जय माता दी। हाय गाइस, अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं, और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बारिश हुई थी। मैंने बताया ना, पहले वापस माता रानी के दर्शन कर लीजिए, कितना अच्छा भवन मिला है ना हमें। लास्ट टाइम भी हमें यही मिला था, दरवाजा खुला सामने माता रानी। थोड़ा सा कोल्ड हो गया है क्योंकि कल बहुत ठंडी हवा चल रही थी ऊपर भैरव बाबा पे। ये यहाँ पे हम भवन में जुड़के हुए, यहाँ पे इतने सारे मंकी आते हैं, ये देख लो, और ये जब से खेले जा रहे हैं। देख रहे हो, तुम डर नहीं रहे? देख लो इनके, देख रहे हो तुम इनके स्टंट? गैन में पूरे में सबने स्टंट में बहुत तेज हवा चल रही है, ये देख लो, ये देख लो। वही तो बोलता रहा कि सुजिंदर आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। फाइनली अब हम जा रहे हैं, तो माता रानी ने हमें बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं। तो जोर से बोलो जय माता दी। माता हमें दोबारा बुलाना जल्दी से, जय माता रानी। यहाँ पे इस तरह के वाटर कूलर भी लगाए हुए हैं पीने के लिए, जिसमें ठंडा नॉर्मल और गर्म वाटर, तीनों तरह के वाटर आते हैं। ये फाइनली हम आ गए हेलीपैड के लिए। सो अब आगे तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। वो देखिए वहाँ पे ट्रेन भी जा रही है। हम वैन से नीचे जा रहे हैं और फाइनली यात्रा इज ओवर। तो अब देखते हैं, कुछ खाएंगे ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर आपको दिखाते हैं हम क्या क्या खाएंगे। ये जो वैन है ये छोड़ती है हमें हेलीपैड से नीचे तक। हमारी वेकेशन अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो स्टार्ट हुई है, तो आगे की वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड।